Our next subtopic is method of chemiluminescence we will see uh, step by step how this chemiluminescence is performed. Uh, first of all instrument which is used is luminometer. Uh, this is used to measure the emitted light or the emitted radiations uh, this is a relatively inexpensive uh, instrument which measure the emitted light and this consists of uh, sample chamber डिटेक्टर सिग्नल प्रोसेसिंग मैथड एंड सिग्नल आउटपुट डिस्प्ले सो डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं डिफरेंट जो इसके पार्टस होते हैं जहाँ सैम्पल इंजेक्ट किया जाता है सैम्पल चैम्बर जहाँ सैंपल हो uh, जहां पर रिएक्शन होता है लाइट प्रोड्यूस्ड एंड सिग्नल प्रोसेसिंग मैथड जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसको प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेस को डिस्प्ले करने के लिए दायरेज आउटपुट है इंजाइम विच इज बाउंड विद एन एंटीबॉडी डेट कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ कैमिलोम लाइट इंटेंसिटी इज मेट हमने पहले भी डिस्कस किया अगर लाइट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब ज्यादा इंटेंस रिएक्शन हुआ है कम लाइट प्रोड्यूस होगी तो रिएक्शन की इंटेंसिटी कम होगी हियर वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन अवेयर सर्टन लाइट इज प्रोड्यूस्ड और सर्टन रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड ये बेसिकली तीन तरह के रिएक्शन हो सकते हैं कलीमीट्रिक कम और फ्लोरेसेंस। ए जो है कलीमीट्रिक नाम से जाहिर है कलर प्रोड्यूस होगा तो जब भी किसी एंटीजन के साथ जो बॉटम पे ब्लू कलर में दिखाई गई है ब्लू कलर में जब एंटीजन के साथ कोई एंटीबॉडी बाइंड करेगी प्राइमरी एंटीबॉडी येलो कलर में और उसके साथ सेकेंडरी एंटीबॉडी ग्रीन कलर में जब ये रिएक्शन होगा तो साथ एंजाइम बाउंड है जो एक सबस्टेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा एक खास कलर प्रोड्यूस होगा और इस कलर की प्रोडक्शन की बेस के ऊपर हम ये बताएंगे कि यहाँ वो एंटीजन मौजूद थी अगर एंटीजन मौजूद थी तो तभी उसके साथ प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी और तभी सब्स्टेट प्रोडक्ट में चेंज होगी और तभी वो कलर प्रोड्यूस होगा अगर जाहिर एंटीजन मौजूद नहीं होगी तो फिर वो रिएक्शन नहीं होगा चूंकि यहाँ डिटेक्शन कलर की बेस के ऊपर होती है इसलिए हम इसको क्रोमोजीनिक या कलेमिट्रिक वो कहते हैं बी पे कैमलोमेसन से जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ हम देख सकते हैं उसी तरह बॉटम पे ब्लू एंटीजन हमारे सैंपल में एक खास एंटीजन है उसके साथ येलो कलर की प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ ग्रीन कलर की सेकेंडरी एंटीबॉडी है एंड दिस सेकेंडरी एंटीबॉडी इज बाउंड विद सम एंटीबॉडीम और ये जो इंजाइम है ये जाहिर है अपनी पर्टिकुलर सबस्टेट के ऊपर रिएक्ट जब करेगा तो यहां लाइट प्रोड्यूस होगी सो ए इज डिफरेंट फ्रॉम बी वहां कलर प्रोड्यूस हुआ यहाँ रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी और वही रेडिएशंस या लाइट की फॉर्म में उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो चूंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ और उसकी वजह से लाइट प्रोडक्शन हुई इसलिए इसको हम कैमीलिस मैथड का नाम जो देते हैं एंड इन थर्ड फेज वी कैन सी फ्लोरेसेंस एज ए नेम इंडिकेट वेन देर इज रिएक्शन ऑफ सर्टन एंटीजन विद इट्स एंटीबॉडी तो यहां जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है उसके साथ एक फ्लोरोफोर अटैच होता है और फ्लोरोफोर तभी यहां सिग्नल प्रोड्यूस करेगा या फ्लोरोफोर यहां मौजूद होगा जबकि एंटीजन मौजूद होगी अगर एंटीजन मौजूद नहीं होगी तो जाहिर है वहाँ आ, ना प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी ना सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी और इस तरह फ्लोरेसेंस भी वहां पर प्रोड्यूस नहीं होगी तो तीन तरह के जो रिएक्शन हैं क्लेमिट्रिक कैमलोमिस फ्लोरेसेंस यहाँ देखे जा सकते हैं हम यहाँ कैमिलोम डिस्कस कर रहे हैं इसमें लाइट प्रोड्यूस होती है और लाइट की प्रोडक्शन की बेस के ऊपर हम कहेंगे रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है और जाहिर है मेन पर्पज ही होता है किसी एंटीजन को डिटेक्ट करना किसी हमारा जो सैंपल है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मौल, को डिटेक्ट करना तो यहाँ जो ब्लू कलर में जो चीज दिखाई गई है वो हमारा सैंपल में एंटीजन मौजूद है जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं इस एंटीजन के कॉरस्पोंडिंग प्राइमरी एंटीबॉडी यहां येलो कलर में बाइंड करती है ग्रीन कलर में सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करती है और उसके साथ जो एंजाइम बाउंड है जब वो सब्सिडेट के साथ एक्ट करता है तो खास तरह की लाइट प्रोड्यूस हो उसको डिटेक्ट करके हम अपनी सैंपल के अंदर उस एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस को शो कर सकते हैं सो देन सैंपल एनालिसिस सो हाउ इट इज डन फोटो डायोड्स एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स दे आर द डिटेक्शन डिवाइसेस फाउंड इन कमिंग ल्यूमिनसेंस सिस्टम फाउंड इन द ल्यूमिनोमीटर जाहिर जो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं कंसेंट्रेशन ऑफ लुमिनेसेंस मटीरियल डायरेक्टली अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड इन द पर्टिकुलर ल्यूमिनेसेंट रिएक्शन हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है अगर रिएक्शन uh, ज्यादा इंटेंस होगा ज्यादा इंटेंसिटी में लाइट प्रोड्यूस होगी अगर रिएक्शन वीक है वीक इंटेंसिटी में रेडिएशन प्रोड्यूस होगी इट इज अ कॉमन टेक्नीक फॉर वेराइटी ऑफ डिटेक्शन इन क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल फील्ड हमारे जितने भी uh, ये जो बायोलॉजिकल रिसर्च uh, है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स uh, जो हैं उसमें इस टेक्निक को यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द रिएक्शन ऑफ एन एंटीजन विद इट्स एंटीबॉडी या कोई हार्मोन है उसको डिटेक्ट करना है तो हार्मोन की जो uh, जो एंटीबॉडी होगी वो ज़ाहिर हार्मोन के साथ रिएक्ट करेगी या इसी तरह किसी इस इंजाइम को हमने डिटेक्ट करना है तो जब उसके सबस्टेट उसके साथ बाइंड करेगी तो दिस हाउ एंटीजन हार्मोन्स और डिफरेंट Uh, chemical substances; they are detected in the system. Uh, this uh, technique is very sensitive, as it, it can measure up to femtomole uh, quantities of the substrates in the different reactions. So, this this is highly highly sensitive technique as compared with other techniques.